हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल आईटी एक्सपीरियंस। तो गाइस, ये जो पीडीएफ लिस्ट आप सामने देख रहे हैं, ये 3 सितंबर को जो सीबीटी एग्जाम होने वाला है आईटीआई का, तो उनका फर्स्ट फेज का लिस्ट आया हुआ है। जैसा कि आपको पता है कि सारे बच्चों का जो है एडमिट कार्ड नहीं आया है, तो इसके पीछे यही रीजन है कि अभी जो है सिर्फ फर्स्ट फेज का जो है लिस्ट जारी किया गया है डीजीटी के द्वारा। और फर्स्ट फेज के लिस्ट में 19034 बच्चों का ही सिर्फ एग्जाम हो रहा है, जो कि 3 तारीख को सिर्फ एग्जाम होगा। अच्छा, उसमें कैसे कैंडिडेट शामिल है तो भी मैं आपको बता देता हूँ। 2018 सेशन के बच्चे, 2019 सेशन के बच्चे, या बैक पेपर या सेमेस्टर वाले, या रेगुलर बच्चे, या लेफ्ट ओवर बच्चे, सभी बच्चों का इसमें जो है लिस्ट दिया गया है। करीब करीब 700 से 800 पन्ने का ये पूरा जो है पीडीएफ है, और इसमें आपको जो है सभी जितने बच्चे 3 तारीख को एग्जाम देंगे उनका सबका यहाँ नेम लिस्टेड है। जैसे कि आप यहाँ देख लीजिए, तो ये यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, ये आपका कॉलेज का कोड हो गया, उसमें ट्रेनी रोल नंबर हो गया, या ट्रेनी, देखिए यहाँ पे ये नेम है, ये वाला लिस्ट जो है पूरा क्या है, ट्रेनी का नाम, जो आपका आपका जो नाम हो गया। फिर यहाँ देखिए, ये उनका रजिस्ट्रेशन नंबर है, फिर उनका कोड, ठीक है, ट्रेनिंग का कोड, आई मीन जो भी उनका सब्जेक्ट है, ट्रेड नेम, आई मीन ट्रेड कोड है ये वाला। तो यहाँ देखिए, ये जो जैसे बच्चे इलेक्ट्रिशियन कहते हैं इलेक्ट्रिशियन। दूसरी बात की सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है कि सारा इसमें आपको मेंशन करा हुआ है कि भाई उनका एग्जाम कब होगा, मतलब डेट, टाइम, सेंटर, इवन सेंटर उन्टर सब कुछ दे दिया गया है। जैसे देखिए यहाँ पे 3 सितंबर का उनका एग्जाम है, कितने बजे से है, 9 बजे से 11:15 बजे एग्जाम है। एग्जाम सेंटर कहाँ पड़ा है, देखिए इस बच्चे का पड़ा है ग्रिड सॉल्यूशन CBS स्कूल, ये सब सेंटर का भी यहाँ लिस्ट है। और ये कौन से ईयर कौन सा आया, देखिए तो 2019 फर्स्ट ईयर मेंस का इनका, मतलब कि रेगुलर कैंडिडेट है ये, ठीक है, और 1 ईयर कोर्स था। तो ये सारा पूरा जो लिस्ट है पूरा पीडीएफ ये है, इसमें आप पूरा सारा अपना डिटेल्स देख पाइएगा, ठीक है, कि कब किस दिन एग्जाम पढ़ रहा है, किस दिन का। यहाँ पे सिर्फ 3 तारीख का ही सिर्फ लिस्ट है, और फिर जैसे ही आगे जो है फेज टू का जैसे ही लिस्ट आएगा तो वो मैं आप तक जो है जरूर पहुंचा दूंगा। तो अभी बात आती है कि ये लिस्ट आप तक मिलेगा कैसे, आप कैसे अपना चेक कर पाइएगा। तो देखिए, इसके लिए मैंने क्या किया है कि मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, उस टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़ जाइएगा, वहाँ पे पीडीएफ ये वाला डाला हुआ है, आप जा करके अपना देख पाइएगा। यदि आप लोग को देखने में समस्या होगा तो फिर आप टेलीग्राम ग्रुप में ही मुझे बताइएगा, तो मैं देख करके आप लोग का कहाँ सेंटर पड़ा है और आपका ये कहाँ है, तो वो मैं आप लोग को हेल्प भी कर दूंगा। रही बात की डाउनलोड कैसे करेंगे एडमिट कार्ड आप लोग का, जिनका जिनका आया हुआ, तो मेरे प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को मैंने बताया भी था। तो आपको क्या करना है, एनसीबीटी का साइट खोल लेना है, ट्रेनी में जाना है और ट्रेनी प्रोफाइल में क्लिक करना है। जैसे ट्रेनी प्रोफाइल में क्लिक कीजिएगा, यहाँ आपको रजिस्ट्रेशन नंबर भरने आएगा, तो यहाँ पे आर से शुरुआत कीजिएगा, ठीक है, कैपिटल में आपको आर लिखना है, और उसके बाद फिर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है 180 या फिर 190 ऐसे करके। फिर उसके बाद फादर्स नेम यहाँ पे भरना है, फिर यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ अपना डालना है, ड्रैग एंड ड्रॉप से बहुत बच्चे पूछ भी रहेंगे कैसे होगा। तो मान लेते हैं आपका जैसे कि 92 है, अगस्त 28 अगस्त मान लेते हैं, 28 अगस्त 1992 है, तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट किया, अब यहाँ पे 28 को सेलेक्ट कर लूँगा, आगे 28 अगस्त 1992, या नहीं तो आप इस फॉर्मेट में लिख भी सकते हैं, 28-AUG- या फिर -1992 अपने फोन से टाइप भी कर सकते हैं। और फिर ये वाला कोड जो है इसको यहाँ पे भरना है, ठीक है, 87 जैसे है 87632, ठीक है, इसको डाल दिया, फिर सबमिट कर देना। जैसे सबमिट कीजिएगा तो आपके सामने जो है पेज खुल के सामने आ जाएगा, और वहां पे आपको सीबीटी हॉल टिकट करके वहां पे नीचे में सबसे स्क्रॉल कीजिएगा, नीचे आपको मिलेगा डाउनलोड करने का ऑप्शन, तो उसको आप इजीली जो है डाउनलोड कर पाइएगा अपने फोन में। या फिर बेटर होगा कि आप कॉलेज अपना कॉन्टेक्ट कर लीजिए, जहां आपका एडमिशन है वहां पे भी वो लोग आपको एडमिट कार्ड इशू करके दे देंगे। तो गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ये पूरे कैंडिडेट्स का पूरा यहाँ पे लिस्ट है मेरे पास, ठीक है, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस चैनल में प्रोवाइड कराई जाती है। दूसरी बात है कि जो भी फेज में आगे भी जो फेज होगा, लाइक ये तो फेज वन था, अभी फेज वन 3 सितंबर को होगा, आगे सेकंड फेज का भी लिस्ट आएगा, थर्ड फेज का, ऐसे करके लिस्ट आता जाएगा, तो मेरे चैनल पे आपको सारा अवेलेबल कराया जाएगा। तो आप लोग निश्चिंत होकर जो है अपना, सबसे पहले तो आप जिनका जिनका एग्जाम है वो लोग अच्छे से तैयारी अपना करें, क्योंकि क्वेश्चन जो, अच्छा दूसरी बात की सेंटर का भी थोड़ा बात समझ लीजिए। देखिए ये सब सेंटर यदि हम चेक करते हैं, ठीक है, ये जितना भी सेंटर है, जितना भी आप सेंटर सब देख रहे हैं, सभी क्या है आपका जो ऑनलाइन सॉल्यूशन जो आपका सेंटर्स होता है, लाइक जैसे रेलवे वेलवे का जहाँ सेंटर्स जैसे लिया जाता है, उस टाइप से सेंटर है। कोई भी आपका जो सेंटर है आपका लगभग लगभग जो है गवर्नमेंट आईटीआई वगैरह में नहीं दिया गया है, ठीक है, ये ऑनलाइन सॉल्यूशंस जो होता है, जो प्राइवेट लिमिटेड, टेक्नोलॉजी लिमिटेड, ये सब में जो आपका सेंटर्स होता है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया ही रेलवे वेलवे का सब एग्जाम दिया जाता है, या फिर SSC सब एग्जाम दिया जाता है, वो सब सेंटर बनाया, क्योंकि आपको पता ही था NSEIT एग्जाम कंडक्ट करा रहा है इस बार, NIMI करा रहा था, तो उस टाइम में चलिए आप लोग का लोकल सेंटर वगैरह सब भी था, तो अभी लोकल रहना चाहिए, 50-60 किलोमीटर के दरमियान ही रहना चाहिए। तो जैसे कुछ कुछ जगहों का मैं आपको बात करूं, जैसे कि यहाँ पे ग्वालियर वगैरह का दिया हुआ जिक्र किया हुआ है, उस तरह से झारखंड का यदि बात करेंगे तो झारखंड में बोकारो, फिर धनबाद और ये आपका रांची वगैरह सब डिस्ट्रिक्ट में एग्जाम लिया जा रहा है, ठीक है, जो ये इस लिस्ट में जो मेंशन किया हुआ है। अब आगे आगे के जो लिस्ट आएंगे उनमें अब कहाँ सेंटर दिया जाएगा, हो सकता है कि न्यू सेंटर्स भी कुछ बनाया जाए, लेकिन फिलहाल तो यही मसला है, ठीक है। और उसी तरह से फिर आपका अदर स्टेट्स का भी इस तरह से सारा जो है लिस्ट
है, लिस्ट मतलब इसी में सारा कुछ है। तो आपको यदि आपको अपना देखना चाहते हैं कि कहाँ आपका है और फर्स्ट पेज में आपका लिस्ट में नाम है या नहीं है, तो आपको बस ये करना है कि आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है, दूसरा कि आपको मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, विद बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे क्या होगा जो भी नोटिफिकेशन दिया जाता है, और दूसरी बात कि चैनल मेरा जो है इसमें आपको बिल्कुल कोई फेक तरह का न्यूज नहीं दिया जाता है, बिल्कुल ऑथेंटिक और 100% जो है जेन्युइन न्यूज दिया जाता है जो भी बोला जाता है। हालांकि यदि लेट से पोस्ट आएगा तो लेट से पोस्ट आने का मतलब यही होता है कि सच्चाई ही सच ही आएगा, कोई झूठ वगैरह इस तरह से फेक हड़बड़ी में करके नहीं निकालते हैं, ठीक है। तो यही चीज है। तो गाइज आप लोग को अपना थोड़ा ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा कि क्या आखिर चल रहा है। दूसरी बात है ये कि बहुत बच्चों का एक प्रॉब्लम आ रहा है कि जो एडमिट कार्ड जो डीजीटी ने दो आपको एडमिट कार्ड जारी कर रहा है, एक तो हॉल टिकट बोल करके है, ओके, और एक है सीबीटी हॉल टिकट। तो हॉल टिकट में ईडी और प्रैक्टिकल का उसमें डाउनलोड हो रहा है, ओके। तो उसमें ईडी और प्रैक्टिकल वाले में क्या प्रॉब्लम आ रहा है कि जो बच्चे अप्रैल के टाइम में एग्जाम दे रखे थे और उनका अब तक रिजल्ट नहीं आया है, उनका फिर से एडमिट करा गया। तो ऐसी स्थिति में वो क्या करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखिए मेरे समझ से उस पर कुछ वर्कआउट चल रहा है, ठीक है, डीजीटी का कुछ काम चल रहा है और वो जो है जल्द ही आप लोग को सुधार देखने को मिलेगा। मतलब जो एडमिट कार्ड आप लोग का जारी कर दिया गया है वो एडमिट कार्ड को वापस ले लिया जाएगा, क्योंकि वो एडमिट का कोई मतलब ही नहीं बनता है क्योंकि आपका ऑलरेडी एग्जाम हो गया, आप लोग रिजल्ट का प्रतीक्षा कर रहे हैं इस वजह से, ठीक है। तो बस इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो है आप लोग को टेंशन नहीं लेना है कि वो जो है फिर से एग्जाम देने वाली बात, ठीक है, एग्जाम फिर से आप लोग को नहीं देना पड़ेगा। और उसके लिए भी जो है कुछ नोटिफिकेशन बस कुछ ही दिनों में आपको देखने को मिल जाएगा कि यदि ऐसा आप लोग यदि साफ साफ लिखा हुआ आना चाहिए कि यदि आप एग्जाम दे रखे हैं और रिजल्ट का प्रतीक्षा में है तो इस एडमिट कार्ड को इग्नोर कीजिए, ऐसे बोल करके, ठीक है। तो आपका दोनों दो दो समस्या आप लोग का समझ में आ गया आप लोगों को कि जैसे जिनका एग्जाम है इधर जिनका 13 तारीख का एडमिट कार्ड आ गया है तो उनको क्या करना है, एग्जाम यदि पहले दे रखे हैं तो एग्जाम यदि नहीं दिए हुए हैं छूटा हुआ तो उनको देना ही पड़ेगा 13 वाले में, ठीक है, 13 सितंबर से, ठीक है। एक ये समस्या था और दूसरी है कि फेज जो 3 तारीख से किनका एग्जाम, क्योंकि बहुत बच्चे का एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हुआ है, ठीक है, नहीं हो रहा है, इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि उनका फर्स्ट फेज में नाम ही नहीं है। लगभग लगभग 7.5 लाख बच्चे, मतलब 7,80,000 का जो मैं आपको लिस्ट भी दिखाया था आप लोगों को पूरा जो है एक्सेल शीट में, उस पर वीडियो था मेरा, तो वो वाला में यदि जो है भी कितना का लिया जा रहा है तो मात्र 19,034 बच्चों का ही जो है एग्जाम होगा। उसमें सेकेंड फेज जो होगा वो हो सकता है 4 तारीख को हो, फिर थर्ड फेज 5 तारीख को हो, इस तरह से अलग अलग लिस्ट जो है आता जाएगा। आप लोग को बस चैनल सब्सक्राइब करना है और जुड़े रहना है, कनेक्ट रहना है चैनल के साथ, और वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ये जो जितना भी कंटेंट है बच्चों तक पहुंच सके। और दूसरी बात है कि बच्चों में जो मिसकन्फ्यूजन है कि आखिर कैसे होगा, एग्जाम मेरा कब होगा नहीं होगा, तो वो सारी बातें भी कन्फ्यूजन दूर हो सके। तो आपको बस रेगुलरली साइट विजिट करते रहना है और चैनल के साथ जुड़े रहिए, यहाँ पे अपडेट्स आपको मिलते रहते हैं, तो अपडेट्स के साथ आप लोग जो है अपने कन्फ्यूजन को भी दूर कर पाइएगा। चलिए गाइस भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग जिनका एग्जाम है उनको बेस्ट ऑफ लक और अपना एग्जाम अच्छे से दीजिए, क्योंकि सेंटर्स जो है बहुत ही अभी जो है कोई भी जरा सा भी इधर उधर का सीन नहीं है गड़बड़ होने का, आप लोग का एग्जामिनेशन जो है बहुत कड़ा लिया जाएगा और जितना जान रहे हैं बस उतना ही कर पाइएगा, इसलिए पढ़ाई कर लीजिए अभी। चैनल मेरे चैनल पे भी बहुत सारा जो है क्लासेस आप लोग के लिए अरेंज किए गए हैं, आप लोग जाके उन्हें जरूर देखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।